हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान की सड़कों पर आग लगी है। दो लोगों की जान जा चुकी है। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हैं। दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। 20 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा इलाका प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ के तांडव की ये तस्वीरें राजस्थान के डूंगरपुर की हैं। और बड़ा सवाल ये है कि प्रदर्शनकारियों की बेकाबू हिंसा के सामने राजस्थान की सरकार क्या कर रही है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कौन है ये प्रदर्शनकारी और क्यों आग लगी है डूंगरपुर में, क्या है पूरी कहानी। दरअसल करीब 2.5 साल पहले 12 अप्रैल 2018 को आदिवासी क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती के लिए 5,431 पद निकले थे। आदिवासी इलाकों को TSP एरिया कहा जाता है, जिसमें ST वर्ग को 45%, SC को 5% और सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण है। इस भर्ती में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 2,721 पद थे। परीक्षा के बाद ST और SC वर्ग के तो सभी पद भर दिए गए, लेकिन जनरल यानी सामान्य कैटेगरी के 2,721 पद के मुकाबले सिर्फ 1,554 परीक्षार्थी ही पास हुए और उन्हें पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन सामान्य कैटेगरी की 1,167 सीटें जो खाली रह गई थी, उन्हीं सीटों के ऊपर ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, क्योंकि ST वर्ग के आदिवासी लोगों की मांग है कि इन खाली पदों को ST वर्ग की सीटों से भरा जाए। इसी मांग को लेकर इलाके के आदिवासी प्रदर्शनकारियों ने पिछले 20 दिन से नेशनल हाईवे 8 पर काकरी डूंगरी में महापड़ाव डाल दिया। लेकिन दो दिन पहले 24 सितंबर की शाम ये आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी लोग काकरी डूंगरी से उतरकर हाईवे पर आए और हाईवे को जाम कर दिया। गियर गैस चलाते ही वो एक बार तो भागे, लंबा भागे, हमारी गाड़ियां भी उनके पीछे तक गई, लेकिन वापस उन्होंने चारों तरफ से पथराव कर दिया, पहाड़ियों से पथराव कर दिया, अनगिनत संख्या में आगे गांवों से आगे पत्थर पड़े, हमारे बहुत जबरदस्त पत्थर पड़े, चारों तरफ से पत्थर पड़े। वो हमने हेलमेट, मैंने हेलमेट और वो जैकेट पहन रखा था, मेरा कमांडो मेरे साथ में था, लेकिन उसके बावजूद जब वो सारे लोग गांव से आ गए तो पुलिस की भी कोई सीमा होती है, पुलिस इतनी पुलिस कहां से आती, इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे हम लोगों के। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। सड़कों पर मचे इस उत्पात में डूंगरपुर एडिशनल SP गणपति महावर समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ को गंभीर चोटें भी आईं। प्रदर्शन की आग फैलते देर नहीं लगी और उपद्रवियों ने SP जय यादव की गाड़ी समेत 6 से ज्यादा ट्रक, 2 दर्जन से ज्यादा छोटे वाहन और कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी। अगले दिन यानी 25 सितंबर को भी दिन भर ये उत्पात चलता रहा। हाईवे के होटलों और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। कई बार उपद्रवियों ने पुलिस को खदेड़ा तो कई बार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को। पुलिस ने जब उन पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस चलाकर उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की तो ये लोग और भड़क गए। गुस्साई भीड़ ने उदयपुर अहमदाबाद के नेशनल हाईवे 8 पर कब्जा कर लिया। गुस्साए आंदोलनकारियों ने पेट्रोल पंप समेत कई दुकानों और गाड़ियों में भी आग लगा दी। 1,167 जो वैकेंट रह गई, 1,167 के ऊपर SG के अभ्यर्थी ये कहते हैं कि साथ इन पोस्टों के ऊपर 36 अंक के तो लाने वाले हैं, उनको हमारी नियुक्ति दी जाए। अब ये कैटेगरी का डिवीजन है, इस कैटेगरी के डिवीजन के अंदर ये न्यायालय के अंदर गए, न्यायालय के अंदर पहले न्यायालय ने इन छात्रों के पक्ष के अंदर फैसला दिया जैसा ये कह रहे हैं, उसके बाद में DP ने कहा कि नहीं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट करके शांति बनाए रखने की बात कही। इसी हिंसा में शनिवार की शाम को खेरवाड़ा में पुलिस कर्मियों और उपद्रवी लोगों की भिड़ंत के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों के नाम तरुण आहरी और अल्पेश हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का दावा है कि पूरी हिंसा नक्सली विचारधारा से प्रायोजित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और पूरे उदयपुर संभाग में रविवार को होने वाले पंचायत चुनाव भी रद्द कर दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि भीड़ में झारखंड और दूसरी जगहों से कुछ बाहरी लोग घुस आए हैं जो बातचीत नहीं होने दे रहे और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों का दावा इसलिए किया गया, इसके अलावा प्रशासन का मानना है कि पूरे बवाल के पीछे राजनीति है। डूंगरपुर में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी का भी एक बयान सामने आया है जिसमें आरक्षण से छेड़छाड़ करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। डूंगरपुर में उपद्रव हो रहा है, NH-8 को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है और पूरा जोर शोर से सरकार पीछे हटी हुई है। तो वार्ताओं का दौर चले, सरकार उनको कुछ भी दे, SC-ST को दे, ST को दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर जनरल कोटे के साथ छेड़छाड़ हुई तो बर्दाश्त नहीं होगा। करनी सेना आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। आज यानी 27 सितंबर को मौके पर तो शांति रही लेकिन प्रदर्शनकारी काकरी डूंगरी पर डटे हुए हैं। वहीं पुलिस ने मोतली मोड़ पर मोर्चा संभाल रखा है। और रही बात शिक्षकों की भर्ती की 1167 पदों के लिए, तो राज्य सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति जताई है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की जाएगी। चूंकि ये मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है, ये बैकलॉग सामान्य वर्ग के पदों का है, इनमें किसी भी व्यक्ति को जिसके 60% से अंक कम है उसको नहीं नियुक्ति दी जा सकती। तो ऐसे में अब राज्य सरकार के पास एक ही रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और इस मामले की पैरवी करे ताकि जनजाति क्षेत्र के लोगों को इन पदों पर नियुक्ति दी जा सके। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार अपनी ओर से इस पूरे मामले को ठंडा करने में जुटी है। अधिकारियों को जयपुर से भेजा गया, जनप्रतिनिधि 2 दिनों से डूंगरपुर और उदयपुर में डेरा डाले हुए हैं। देर रात जयपुर से विशेष विमान से सीनियर पुलिस के अधिकारी DJ कानून व्यवस्था, IPS लाठर, जयपुर पुलिस कमिश्नर अनंत श्रीवास्तव और एंटी करप्शन ब्यूरो में ADG दिनेश MN को उदयपुर भेजा गया है। अभी तक करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आग के हवाले की जा चुकी है। पुलिस को हर बार पीछे हटना पड़ रहा है। सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा उपद्रव हो कैसे गया, क्योंकि स्थानीय एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं थी। इस पूरे मामले में जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इमरजेंसी बैठक की है जिसमें आंदोलन समाप्त करने और मसले का हल निकालने पर चर्चा की गई है।